ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे का गायन। विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे जयपुर अतरौली ख्याल गायकी परंपरा की एक उत्कृष्ट गायिका हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की मौलिकता को पंडित नारायण राव दातार से सीखने के पश्चात आपने जयपुर गायकी को अपनी माता, परामर्शदाता और गुरु श्रीमती मानिक भिड़े के मार्गदर्शन में आत्मसात किया। आपने पंडित रत्नाकर पै से भी संगीत का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे ने अपनी परिपक्व सोच, आत्मनिरीक्षण और अभ्यास के बल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नए नए विस्तार को नए क्षितिज से जोड़ा और दर्शकों की अत्यधिक प्रशंसा भी पाई है। स्वभाव और प्रशिक्षण से शास्त्रीय संगीत की परंपरा से जुड़ी अश्विनी जी ठुमरी, दादरा और भजनों में भी उतनी ही सहज हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार हैं। विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी 2014, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए सम्मान भी सम्मिलित हैं। आज के कार्यक्रम का आरंभ आप राग बिहागड़ा के साथ कर रही हैं। विलंबित बंदिश 3 ताल में निबद्ध है। बोल हैं प्यारी पग हो ले। द्रुत रचना 3 ताल में है। बोल हैं रैन दिना कैसे काटे। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं अनीश प्रधान, सारंगी पर उस्ताद फारूक लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं निरंजन लेले। This is All India Radio. We welcome our listeners in the National Program of Music. Tonight, we present vocal recital by Vidushi Ashwini Bhide Deshpande. Vidushi Ashwini Bhide Deshpande is an outstanding vocalist of famed Jaipur Atroli Khyal Gayaki tradition. Ashwini learned classical music from Pandit Narayan Datar and simultaneously learned traditional aspects of Jaipur Gayaki under the strict tutelage of her mother, mentor and guru, Srimati Manik Bhide. She also received valuable guidance from her guru, late Pandit Ratnakar Pai. Her Gayaki is characterized by a blend of tonal sweetness coupled with vitality, emotion and raga structure architecture. Although classist with temperament and training, Ashwini is equally at ease with lighter varieties like Thumri Dadra and Bhajans. Ashwini's debut recording album was released way back in 1985 and several more have followed thereafter under the various banners. Top grade artist of Akashwani and Doordarshan, Ashwini has featured in several national programs and Sangeet Sammelans. Ashwini's contribution to Hindustani classical vocal music has been acknowledged by many awards, including Sangeet Natak Academy Award and also prestigious awards by Government of Maharashtra and Government of Madhya Pradesh. Tonight, she begins her vocal recital with Raag Bihagda. Vilambit Bandish set to Teentaal, bol Pyari Pag Hole. Drut Bandish set to Teentaal, bol रैन दिन कैसे कटे. शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय अनीश प्रधान, ऑन हार्मोनियम बाय निरंजन लेले एंड ऑन सारंगी बाय उस्ताद फारूक लतीफ खान. Aa
Yeah.
Ah, 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 ah
अभी आप सुन रहे थे राग बिहागड़ा। कार्यक्रम का समापन विदुषी अश्विनी भिड़े देश पांडे राग काफी कानाड़ा के साथ कर रही हैं। मध्य लय की बंदिश रूपक ताल में निबद्ध है। बोल हैं लाई रे मद पिया। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर। दैट वॉज राग बिहागड़ा। कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे नाउ प्रेजेंट राग काफी कानड़ा।
मध्यलय बंदी सेट टू रूपक ताल बोल लाई रे मद पिया, द्रुत बंदी सेट टू तीन ताल बोल कान्हा कुंवर के कर पल्लव पार। Ah.
कान कुमर के
Ha ha ha.
अभी आप सुन रहे थे राग काफी कानड़ा। इसी के साथ संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे का गायन संपन्न होता है। आज आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर अनीश प्रधान, सारंगी पर उस्ताद फारूक लतीफ खान और हारमोनियम पर थे निरंजन लेले। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र पर ध्वन्यंकित और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। That was Raag Kaafi Kannada. You were listening to vocal recital by Vidushi Ashwini Bhide Deshpande in the National Program of Music. She was accompanied on tabla by Anish Pradhan, on harmonium by Niranjan Lele, and on sarangi by Ustad Farooq Latif Khan. With that, we conclude the National Program of Music tonight. This program was recorded earlier in the studios of All India Radio Mumbai, and this broadcast came to you from the studios of All India Radio Delhi.